नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं रवि गुप्ता। आप देख रहे हैं शानपति। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो आपने मैरिटल रेप नाम का चुतियापा फैलाया हुआ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसी पे हम निकल पड़े लोगों से जानने की मैरिटल रेप होता भी है या सब ऐवी है। लेट्स सी। जो पत्नी सिर्फ अपने पति को ही चाहती है और किसी को नहीं चाहती, वो रेप का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, चाहे वो किसी भी तरह का उस पर ज्यादती करे, अत्याचार करे। अच्छा, वो नहीं लगा सकती। और जिसका करेक्टर थोड़ा ख़राब रहेगा वो कुछ भी कर सकती है। भाई अब अपने जो जिससे जो लाइसेंस लिया है उसने, भाई धंधा तो वही करेगा ना जिसका लाइसेंस है। आज तक हम लोग पत्नी आए समझ नहीं आप, आज तक जूता से लेकर के कपड़ा से लेकर हर चीज़ पूछ करके देती हैं। आज पूछवा के दिखवा लो आप। वो मनी करती रहती हैं, जबरदस्ती करो, फिर जबरदस्ती करो, जबरदस्ती करो। तो यही तो रेप है। अच्छा, तो ये रेप सही है? हाँ ये सही है। ये मैरिटल रेप क्या होता है? मैरिटल रेप पहली बार सुना होगा। मैरिटल रेप पता नहीं क्या है। पत्नियाँ आजकल इल्जाम लगाने लगी अपने पतियों पर कि इन्हें मेरा रेप करता है। हाँ तो ऐसा है कि उसकी इच्छा नहीं होती है उससे और वो किसी और को चाहती है। मुश्किल है, नहीं हो सकता। क्यों? अरे वो अपनी शादी करके लाया, रेप कैसे करेगा भाई। तो उसे पीछे छुड़ाने का ही है कि भाई वो गलत, वो ये करता है, हमको टॉर्चर करता है, हमको मारता है, हमको पीटता है। हाँ, हमको ये मेरा रेप करता है। रेप वो कर नहीं सकता, रेप क्या करेगा। लेकिन अगर पति अगर पत्नी के साथ नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? भाई वो तो पत्नी के साथ ही करेगा ना, वो तो और किसी के साथ नहीं करेगा। अलग कहीं जाएगा तो मारा जाएगा। ऐसा है कि अगर पति पत्नी में गहरा संबंध प्यार है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, सब जाए। शादी किस लिए करती है? वो तो इसीलिए करती है ना कि वो रेप करे। जेल जाएगा सीधा। अच्छा, ये ऐसा है क्या कि मतलब जो हम जो जितना वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तब से ये सारी टर्म आने लगी है, मैरिटल रेप हो गया ये हो गया? नहीं तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। कि हम लोगों की शादी हुई 19 साल की उम्र, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ बल्कि यहाँ तक औरतों को पिटाई की, लाठी ले लेकर के, डंडा ले लेकर के, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। हाँ, एक पति से खुश नहीं है तो उनको कई पति चाहिए, नया नया आइटम है ना। तो नया नया आइटम पे जो है वो इसीलिए तो उनको लाइक नहीं करती हैं। वो कहते हैं यार क्या ओल्ड मैन है ये, ओल्ड मैन को छोड़ो, हटाओ इसको यहाँ से। अमेरिकन कल्चर के शिकार हो गए हमारी संस्कृति। आज तक हम लोग पत्नी आए समझ रहे आप, आज तक जूता से लेकर के कपड़ा से लेकर हर चीज़ पूछ करके देती हैं। आज पूछवा के दिखवा लो आप। तहजीब के दायरे में आती है और पर्दे को लागू करती है। अब हर चीज़ खुली है तो किसी ना किसी दिल का तो बहकेगा, जब बहकेगा तो रेप भी होंगे। तो किस तरह की पत्नियां होती होंगी वो जो मतलब इस अपने पतियों पर रेप का इल्ज़ाम लगा देती होंगी? जो पत्नी सिर्फ अपने पति को ही चाहती है और किसी को नहीं चाहती, वो रेप का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, चाहे वो किसी भी तरह का उस पर ज्यादती करे, अत्याचार करे। अच्छा, वो नहीं लगा सकती। और जिसका करेक्टर थोड़ा ख़राब रहेगा वो कुछ भी कर सकती है। कुछ माइंड डिस्टर्ब यही बात कह सकता हूँ, मेंटली डिसबैलेंस। वो कोई मजबूरी होती है उनकी शादी होने का, वो उनको लाइक नहीं करती हैं। अब वो जो है उनकी इच्छा उनसे नहीं होती, दूसरे से होती है। तब वो पास में आएंगे, वो बेचारे पतिव्रता होते हैं, वो एक नारी व्रतधारी होते हैं, तो उनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लग जाता है। मतलब दैट मीन्स नपुंसक है, इम्पोर्टेंट है, तो उसको नहीं बोल सकते कि इम्पोर्टेंट, फिर तो लोग उसको उपदेश देंगे, अरे इम्पोर्टेंट हो गया तो क्या है, ज़्यादा सहल है। तो उपदेश नहीं सुनना चाहती है, पीछा छुड़ाना चाहती है। पीछा छुड़ाने का ही है कि उसको टॉर्चर का इल्ज़ाम लगा है तरह तरह से। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब आपका मन हो, आपकी पत्नी का मन हो ना हो, फिर भी आपने किया? ना, ऐसा हमने नहीं किया। और आपका मन नहीं हो लेकिन उनका मन हो, फिर आपने किया? नहीं, वो मनी करती रहती हैं, फिर जबरदस्ती करो, फिर जबरदस्ती करो, जबरदस्ती करो। तो यही तो रेप है। अच्छा, तो ये रेप सही है? हाँ ये सही है। जैसे बुढ़े रेप कर रहे हैं, पता नहीं जानते, जो आजकल 6-6 साल 10-10 साल लड़कियों के साथ जो रेप हो रहा है उसमें कौन पकड़ा जा रहा? बुढ़ा, ठीक है ना। तो उनकी वो मानसिकता एक अलग तरह हो जाती है, ठीक है ना, खुद में सक्षम नहीं है, ठीक है ना। देखा उनकी प्रवृत्ति, मन मन की प्रवृत्ति है लेकिन तन की प्रवृत्ति नहीं। तो दोनों एक सिचुएशन बिठाते कैसे? अगर दोनों की मर्जी से कोई काम हो रहा है और उससे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और एक की मर्जी है, एक की नहीं है, तो उसमें जो बच्चा पैदा होने वाला है वो भी नालायक नालायक होगा। तो ये लाइसेंस मिल जाता है क्या हमें? लाइसेंस है जो कभी एक्सपायर नहीं होगा। कभी एक्सपायर नहीं। और एक्सपायर हो गया तो फिर खत्म हमेशा के लिए।
भाई अपने जो जिससे जो लाइसेंस लिया है उसने, भाई धंधा तो वही करेगा ना जिसका लाइसेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा कि 18 साल से ऊपर जिसकी भी शादी होती है तो पति अगर पत्नी से ज़बरदस्ती भी करता है, मतलब सेक्स भी करता है उसकी ना चाहते हुए भी, तो भी वो सेक्स रेप नहीं है, ऐसा क्या सही है? ज़बरदस्ती करता है तो आप इसको मैटर रेप मत दीजिए, इसको दूसरा कोई वर्ड दीजिए। अच्छा, आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड डिफिनेशन लाइक अ मैटर रेप। ओके, ज़बरदस्ती बोल सकते हैं, कुछ और भी कर टॉर्चर कर सकते हैं। देख भाई ऐसा है, अगर तुम्हें कोई नालायक कहता है ना उनको साफ कह दे, देख भाई ऐसा है मैं नालायक नहीं हूँ, एक्चुअली ये मेरे माँ बाप की गलती है, या तो मेरी माँ का मन नहीं होगा या मेरे बाप का मन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कुछ किया इसलिए मैं पैदा हो गया, इसलिए मैं नालायक नहीं हूँ। खैर, दिल्ली के लोगों ने जो इस पर कहा, लेकिन मैं इस बात के लिए आपको कहता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। टाटा बाय बाय।